लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रतन पंखा चला दो। यस सर। रोल नंबर वन। यस सर। टू थ्री। यस सर। नंबर फोर। बंद करो ये पंखा। किसकी शरारत थी? मैं पूछता हूं, ये किसकी शरारत थी बताओ, वरना एक की जगह सारी क्लास को सजा दी जाएगी। रंजीत। मैं तो अभी आया हूँ मास्टर जी, मेरा तो व्रत है आज पूर्णमासी का। विनोद। मुझे नहीं मालूम सर। किशोर। मुझे भी नहीं मालूम मास्टर जी। इसका मतलब है इस बदमाशी में सारी क्लास का हाथ। मोहन, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे लड़के, कभी झूठ नहीं बोलते, बताओ कौन है? डरो नहीं, सच बताओ, किसकी शरारत? रंजीत की मास्टर जी। ये झूठ कहते हैं मास्टर जी। बको मत, मैं जानता हूँ सारी क्लास में सबसे ज्यादा बदमाश तुम हो। इधर आओ, इधर आओ। दुनिया सुधर सकती है मगर कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। तुम हमेशा लोफर के लोफर रहोगे। निकालो हाथ। मगर मास्टर जी। मैं कहता हूँ हाथ निकालो। रंजीत, जब तक तुम मेरे साथ हो पुलिस तो क्या, पुलिस का साया भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मुझे पुलिस के साथ आंख मचोली खेलना अच्छी तरह आता है, तुम्हें भी सिखा दूंगा। सीखोगे? जी सीखूंगा। गुड बॉय, हाथ मिलाओ। Thank you.
भाई कमाल है, तू आदमी है कि तू वाल मेल मेरे सेब भी गिरा दी और मेरी शराब की बोतल भी तोड़ दी। निकाल पैसे निकाल। माफ करो, गलती होगी, पुलिस मेरे पीछे लगी है, मुझे जाने दो बाबा, मुझे जाने दो, माफ कर दो मुझे बाबा। बहुत वर्षों के बाद मुझे किसी ने बाबा कहा है। पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है, बैठ बैठ, तू यहाँ बैठ। पुलिस क्या कर सकती है तुम्हारा, ये लो तुम मेरा सेब खाओ। पुलिस तो क्या, मिलिट्री भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकती। इस सेब में वो करामात है, खाओ खाओ खाओ, घबराओ नहीं, खाओ 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 खाओ। ए भैया, यहाँ से किसी को भागते हुए देखा है, नीले रंग का स्वेटर वाला? अरे नहीं भाई, हमने किसी को नहीं देखा, तुमने देखा? नहीं देखा। चलो। अरे भाई गिर नहीं, ये पुलिस वाले भी कमाल हैं, हर वक्त भागते ही रहते हैं। जादूगरी देखी मेरे सेब की? बाबा तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आओ मेरे साथ। मगर कहाँ? आओ तो सही। मगर वहाँ दारू मिलेगा? अरे सब कुछ मिलेगा, दारू क्या बाबा, चलो। हेलो रंजीत, आ गए? अंकल आ तो गए, लेकिन आज खाकी वर्दी वालों ने बहुत परेशान किया, मेलो तक चेस करते रहे। इसमें नई बात कौन सी है, चेस करना उनका काम है और उनसे बच निकलना तुम्हारा। लेकिन तुम गए किस काम से थे? राजकुमारी रतिनगर को रुखसत करने गया था, आपकी खिदमत में एक छोटा सा तोहफा दे गई। अंकल है ना ये वही नेकलेस जिस पे आपकी मुद्दत से नजर थी? हाँ, हाउ वंडरफुल वंडरफुल, कितना खूबसूरत है रंजीत, लेकिन तुमने इसे उड़ाया कैसे? हाथ की सफाई, राजकुमारी के गले से नेकलेस तो क्या, आपका हुक्म हो तो आसमान से चांद सितारे साफ कर दूं अंकल। शाबाश रंजीत शाबाश, मैं तुम पे जितना भी नाज करूं कम है। कभी कभी सोचता हूं बेटा मेरा अंदाजा कितना सही निकला, याद है तुम्हें वो कितना हसीन इत्तफाक था जब तुम मुझे मिले? वो सब गुजरे हुए कल की बातें हैं अंकल, जो स्लेट के हर्फों की तरह मेरी याद से मिट चुकी है। अब तो मैं सिर्फ आने वाले कल के बारे में सोचता हूँ। रंजीत हैव अ ड्रिंक। थैंक यू अंकल, मैं कार्ड रूम में जाकर पीता हूँ, सुबह से जाने का वक्त नहीं मिला, इजाजत। श्योर माय सन, श्योर। थैंक यू।
क्लाइंट। हे मिस्टर, कार्ड्स लाओ। कौन से कार्ड्स? इस क्लब में सब कुछ चलता है बेईमानी नहीं। ये कार्ड्स। लेकिन ये कार्ड्स तो यू चीट। रंजीत, तुम्हें बड़े साहब ने फौरन बुलाया है। राकेश। यस सर। थ्रो दिस बास्टर्ड आउट। ओके सर। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, प्लीज कैरी ऑन। अंकल, आपने बुलाया? हाँ रंजीत, अभी अभी हमारे फॉरेन एजेंट का ये टेलीग्राम आया है। आज रात को 12 बजे मजालन पे बोट आ रही है, उसमें हमारे लिए अफ्रीका का एक पार्सल है, उसे लेने तुम्हें जाना होगा। अभी? मैं जानता हूँ तुम बहुत थके हुए हो, लेकिन ये डील बहुत बड़ी है, इसलिए ये काम किसी और को सौंपा नहीं जा सकता। तो मैं चला जाता हूँ। ये रुपया पार्टी को दे देना और पार्सल ले आना। काला घोड़ा। गुड लक। थैंक यू। हेलो, मैं राकेश बोल रहा हूँ। हेलो सर, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? मैं चलूँ आपके साथ? नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं। है कि आप भी इतना समझ लें, मुझको समझाने के बाद आदमी मजबूर हो जाता है दिल आने के बाद। अरे वाह 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 वाह। अरे आगे सुनो, अगला शेर सुनो। मैं कहा है कि आपके आने से पहले याद था सब कुछ मुझे, याद फिर आएगा सब कुछ आपके जाने के बाद। वाह 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 वाह, क्या बात है बाबा, क्या अच्छा अच्छा शेर याद है। रंजीत, तुम क्या बात है? मेरा सेफ। मगर मैं तो दुकान बंद कर चुका हूँ। बाबा, बहुत जरूरी काम पर जा रहा हूँ, सेब नहीं मिलेगा तो काम पूरा नहीं होगा। ऐसा? चलो तुम्हारी खातिर खोल देते हैं दुकान। ये लो, खुल गई। ये लो सेब। पुलिस? पुलिस नहीं अंकल, वापसी पर कुछ लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की। मुझे तो प्रताप की शरारत लगी। नहीं, इम्पॉसिबल, वो ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकता। यकीन तो मुझे भी नहीं, लेकिन शक जरूर है। हो सकता है अपने किसी आदमी ने गद्दारी की हो। खैर, मैं देख लेता हूं। झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सच बताओ, किसके आदमी हो, किसे फोन कर रहे थे? किसी को नहीं। तुम्हारे सिवा यहाँ कोई गद्दार नहीं हो सकता। जल्दी बोल दे वरना मैं तेरा खात्मा कर दूंगा। बोल, प्रताप का आदमी हो, उसने मुझे यहाँ भेजा है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कामयाबी पर चलता है और मेरा काम है कि मैं उसे यहाँ के बारे में खबरें देता रहूं, ताकि वो तुम्हारे हर प्लान का फायदा उठा सके, जैसा कि आज तुम्हारे साथ मडालैंड पर करने की कोशिश की गई। प्रताप, तुम सब मुस्तंग है और वो अकेला, फिर भी मार खा के चले आए। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। लेकिन बॉस, बास्टर्ड, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, उल्लू के पट्टे। प्रताप,
तुम्हारे एक और उल्लू के पट्टे को तुम्हारे हवाले करने आया हूं। कौन है ये घन चक्कर? वेरी गुड। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अपने भेजे हुए जासूस को नहीं पहचान सकते? बकवास मत। मैं तुमसे भी ज्यादा ऊंची आवाज में बोल सकता हूं। तुम्हारी इसी जलन ने मुझे एक बार नहीं 10 बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये गलत है। ये गलत नहीं है, ये हकीकत है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, अपना शिकार खुद मारना सीखो। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीस के रख दूंगा। मेरे ही इलाके में मुझे धमकी? रंजीत, तुम ये भूल रहे हो इस वक्त तुम कहाँ हो और किससे बातें कर रहे हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं इस इलाके के सबसे बड़े गुंडे प्रताप साहब से बात कर रहा हूँ। क्या कहा? इतने बहादुर आदमी को याद रखने के लिए ये जेल लिए जाता हूँ। गोलियां चलानी हमें भी आती है। अपने कुत्तों से कहो खिलौनों से खेला करें। नाइट प्रताप। हराम सादे गद्दार, सब कुछ पक दिया तूने। आज आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पकड़ो सुअर के बच्चे। आज बात तो माँ जा कुटेगी। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ लोग मेरे पीछे, मेरी जान को खतरा है। कौन है वो लोग? अगर मुझे भी तो कुछ बताओ। अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। सुनो, माँ को किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो लोग यहाँ भी पहुँच जाएंगे। अंजू भैया, आज की रात मेरे सहेली के घर गुजार दो, बाकी बाद में देखेंगे। चलो मेरे साथ। के हाथ इतने लंबे हैं कि तुझे जहन्नुम से भी खसीट लाए। मेरा नमक खाकर मुझसे गद्दारी। नमक हराम, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान के यहाँ से चली जाए। राकेश की बहन है बस, पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी। ऐसे भाई से ज्यादा बहन जहरीली है। बेवकूफ लड़की, अगर अंगारों से खेलने की कोशिश करेगी तो ये मुलायम हाथ जल जाएंगे तेरे। जानती हम कौन है? तुम जो भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेहरबानी करके मेरे भैया को छोड़ दीजिए। प्रताप सिंह की पीठ में छुरा घोंपने वाला या अंधा कर दिया जाता है या लंगड़ा। इस कमीने की हड्डियों का तो मैं सुरमा बनाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे भैया को छोड़ दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। हम पर तरस खाइए। तरस? कौन किस पर तरस खाता है लड़की? इस दुनिया में सब सौदा करते हैं सौदा। तुम चाहो तो तुम भी अपने भाई का सौदा कर सकती हो उनसे। सौदा? हाँ सौदा। अच्छी सूरत है, नाम भी खूबसूरत है और उठता शबाब भी है। अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम अपने भाई को बचा सकती हो। कौन सी बात? जो काम तुम्हारा भाई पूरा नहीं कर सका, अगर तुम उसे पूरा कर दो तो हम उसे तुम्हारे हवाले कर देंगे। आज की रात सोच लो, कल सुबह जवाब दे देना, लेकिन जरा जबान को बंद रखना, नहीं तो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। ये लो तुम्हारा चिट्ठी। चिट्ठी? हाँ, कितने दिनों से इंतजार था इस चिट्ठी का। ये लो तुम्हारा इनाम। एक चिट्ठी पर एक से बाबा, अगर दो चार चिट्ठी इकट्ठा आ जाएगा तो। अरे इस गरीब को इतनी चिट्ठियाँ कौन लिखेगा, बस यही काफी है। एक बात बताओ बाबा। तुम्हारा सब चिट्ठी हमारा छोटा साहब का पते पर क्यों आता है? तुम्हारा कोई अता पता नहीं क्या? अरे रंजीत ने आज तक ये बात मुझसे नहीं पूछी। तू मामा लगता है? नाराज मत हो बाबा, हम तो ऐसे ही पूछ लिया। जा जा जा। सलाम। भैया भैया, ये सब भेजते हो क्या? नहीं भाई नहीं। तो सजावट के लिए रख छोड़ा? बेचता हूँ बेचता हूँ। 12 रुपए दर्जन है, बोलो कितने? 12 रुपए दर्जन? अरे भैया आजकल तो 5 रुपए दर्जन आम मिल जाते हैं। जरूर मिल जाते होंगे, इसलिए कि वो आम है और ये खास।
तो ऐसा करो, जब ये आम हो जाएंगे तब हम खरीदेंगे। तो ठीक है, जा जा। ए भैया भैया, एक दर्जन की बात छोड़ो, एक सिर्फ कितने में दोगे बोलो? एक रुपए में। एक रुपए में? अच्छा, काट के आधा दे दो, मेरे पास अठन्नी है। ऐसे करो, यहाँ से सीधे चले जाओ, वहाँ एक तरबूज वाला है, वो तुम्हारी बात मान लेगा। तरबूज वाला है? हाँ है। गुड आइडिया। भैया पढ़ने में नहीं देता, कमाल है। अरे भाई उठा लूंगा, घर जाकर ही पढ़ूंगा। मेरे प्यारे बाबा, मैं आपसे नाराज हूँ, बहुत नाराज। अगर मैं आपके पास होती तो आपसे इतना झगड़ा करती, इतना झगड़ा करती कि आप भी याद करते। मैं जानती हूँ कामकाज की वजह से आपको फुर्सत नहीं मिलती होगी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप मेरी चिट्ठी का जवाब ही ना दे सके। लगता है आपको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं। तो मैं क्या बताऊं बेटी, मैं कितना प्यार करता हूं तेरे से। आपका सारा धन, सारी दौलत, ये क्या इसलिए है कि हम सदा एक दूसरे से दूर रहे? मैं अपने हॉस्टल में और आप एक होटल में। आप कोई अच्छा सा घर क्यों नहीं खरीदते बाबा, जहाँ मैं भी आ सकूँ और मेरी सहेलियाँ भी? घर तो बना रखा है मैंने, मगर तेरे काबिल नहीं है। तुझे तो मैं भी चिट्ठी लिखता हूँ। प्यारी रूपा, तू हंसती है तो मेरा दिल खिल उठता है, तू रोती है तो मेरी जान निकल जाती है, क्योंकि मैं ही तेरा पिता हूँ और मैं ही तेरी माँ। बेटी तू मेरी चिंता ना किया कर, मैं जिस होटल में रहता हूँ वो बंबई का बहुत बड़ा होटल है, जहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं, बल्कि ये समझ के वो मेरा अपना ही घर है। अब तू भी मुझसे दूर नहीं रहेगी, तेरी पढ़ाई खत्म होते ही मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा और फिर तू हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहेगी। पापा तुम कितने अच्छे हो बाबा। मेरे पापा की चिट्ठी आई है, जानती है क्या लिखा है? क्या लिखा है? अरे बहुत बड़ी खुशी की खबर है, पढ़ाई खत्म होते ही ना मैं अपने पापा के पास चली जाऊंगी, फिर हमेशा उनके पास रहूंगी, उनके होटल में। लिखा है बहुत बड़ा होटल है उनका। हेलो अंजू। ओहो चश्मे बद्दूर, आज तुम कल से भी ज्यादा हसीन नजर आ रही हो। अच्छा हो तुम्हारी, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत सा काम सोच के रखा है और मुझे यकीन है कि तुम उसे पूरा कर सकती हो। जी मैं कोशिश करूंगी। सब जानती हो, इसका नाम है रंजीत, प्लेबॉय क्लब का मालिक। दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम भी इसके लिए बड़ा आसान है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम उसके करीब जाओ, उससे दोस्ती पैदा करो और जरूरत पड़े तो उसके दिल में समा जाओ। मोटर चलाना जानती हो? जी। ये लो चाबी, आज से गाड़ी तुम्हारी। लेकिन तुम कौन हो, किसका काम करती हो, ये उसे बिल्कुल नहीं मालूम हो। इधर क्या? जी। मिनट, ये मोटर के लिए पेट्रोल। थैंक यू। रवाही ऐसी चली है बाबा। ओ, 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 क्या बात है रंजीत, आज सुबह सवेरे काम पे चल दिया बाबा? आज काम भी एक नहीं चार पांच। तो सेब भी चार पांच लो। सेब एक बहुत। ये लो। Cigar is your brand? Oh, do you have? Yeah. Thank you very much. Would you? Uh-huh.
Would you like to have another cigar? I don't mind. Thank you very much. साहब, ये सड़क खरीद रखी है आपने? स्टॉप इट! आई से स्टॉप इट! स्टॉप इट! अब पता चला आपको सुनाई देता है। मैं तो समझा था कि आप हरी हूँ, यही ना? जी हाँ। अगर आपको अपनी गाड़ी का हॉर्न इतना सुरीला लगता है, तो एक काम कीजिए, आप मेरी गाड़ी चेक कीजिए, मैं यहाँ बैठकर हॉर्न बजाती हूँ। आपने मुझे क्या कोई मैकेनिक या मिस्त्री समझ रखा है? बिल्कुल नहीं, शक्ल से तो आप शरीफ आदमी लगते हैं। अगर आप दोनों नहीं तो एक काम तो जरूर जानते होंगे, जरा गाड़ी को धक्का लगा दीजिए। What do you mean? वो भी नहीं जानते? कोई बात नहीं, आप गाड़ी में बैठिए, मैं धक्का लगा देती हूँ, कम से कम एक साइड तो हो जाए। क्या गड़बड़ है आपकी गाड़ी में जी? आपके इंजन में क्या खराबी है? अगर ये मालूम होता तो मैं इतनी देर से आपका ये भौंपो सुनती। आप क्या समझी मेरा भौंमो इतना फालतू है? चलिए देखता हूँ। अरे आई एम सॉरी, क्या हो रहा है आपको? चलिए स्टार्ट करके देखिए। ओके लगते तो आप कुछ और थे, लेकिन मैकेनिक निकले। खटारे को स्क्रैप में दे देना अंकल। सिगार पिएंगे? श्योर रंजीत, श्योर। स्प्लेंडेड। ब्यूटीफुल। कल सुबह इनको तीन हिस्सों में बांटकर एक मिस्टर पुरी को दिल्ली में, एक मिस्टर सिन्हा को कलकत्ते और जयपुर में मिस्टर चोपड़ा को भेज देना। ओके ओके अंकल। ये भैया आज तुम्हारे सेब का क्या भाव है? जो कल था। कल क्या था? जो आज है। आज कल आज कल ए ठीक है, मैं परसों आऊंगा। परसों ठीक है। छोटा सा बंदा रेस्टोरेंट में मैडम हेल्प यू। मुझे मिस्टर रंजीत से मिलना है। रंजीत से? कौन है आप? आपको क्या नजर आती? माफ कीजिए मेरी नजर जरा कमजोर है, आजकल के जमाने में मुझे लड़का भी लड़की नजर आता है। तो फिर आप अपनी नजर का इलाज कीजिए। मैं लड़की हूँ और मेरा नाम है अंजू। देखिए मैडम आप अंजू हो या मंजू, आपको मिस्टर रंजीत से क्या काम है? ओफो, ये मिस्टर रंजीत का रेस्टोरेंट है या सीआईडी का ऑफिस? देखिए मैं उनके रिश्तेदार हूँ और लंदन से आई हूँ। लंदन से? तो आप जरूर जम्बो जेट में आई होंगी। जी नहीं, साइकिल पे आई हूँ। सर रंजीत, तुम्हारी खूबसूरत रिश्तेदार लंदन से साइकिल पर आई है। आपने मुझे पहचाना? पहचान पर तो आपने रिश्तेदारी की मोहर लगा दी, वो भी लंदन की बनी हुई। वैसे मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं, आपको पहले देखा है कहीं? देखा ही नहीं,
आपने मेरी गाड़ी भी ठीक की थी। लेकिन यहाँ आने की दावत तो नहीं दी थी। कहिए कैसे तकलीफ थी? आपकी तकलीफ दूर करने के लिए। ये रहा आपका पर्स, रास्ते में पड़ा हुआ था। इसमें आपका एड्रेस भी था और 2600 रुपए भी। देख लीजिए, ठीक है ना? मैं रुपए गिनकर कभी नहीं रखता। थैंक यू। अजीब रूखे आदमी आप, न चाय न ठंडा न गरम। मैम साहब, इन बातों के लिए फुर्सत नहीं है। लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज होती है मिस्टर रंजीत। खैर आए हुए इंसान से तो दुश्मन भी ऐसा नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, कसूर मेरा था जब मैं यहाँ आई। वेट अ मिनट, क्या पियोगी? सॉफ्ट ड्रिंक? विस्की? जी नहीं, मैं पीऊंगी नहीं, खाऊंगी, वो भी खाना। मैम साहब को पेट भर के खाना खिलाओ। शाबाश शाबाश, तो उसके साथ खाना भी खा लिया तुमने? वंडरफुल, वेरी वेल इंडीड। लेकिन अभी तुमने उसकी सिर्फ सूरत देखी है, उसके दिल में क्या है ये जानने के लिए तुम्हें उसके और करीब जाना होगा। क्या मतलब? मतलब यही कि दोस्ती और बढ़ानी होगी। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या सोचता है, उसकी हर बात पर नजर रखनी होगी। हेलो, यहाँ क्या कर रही हैं आप? आपका इंतजार। क्यों, क्या तकलीफ है? तकलीफ तो कोई नहीं, बस यूं ही। जाने! ओफो, चिल्लाते क्यों हो? आप मेरे पीछे इस तरह क्यों पड़ी हैं? आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। और आप तो मुझ पर इस तरह शक कर रहे हैं जैसे मैं कोई जासूस हूँ और आपका पीछा कर रही हूँ। आप कौन हैं, क्यों हैं, क्या हैं, ये जानने की मुझे जरूरत नहीं।
सलाम। ये लो आपका चिट्ठी। ये लो इनाम। शुक्रिया। बाबा तुमने मेरी चिट्ठी का जवाब तो दे दिया, लेकिन मैं फिर भी तुमसे नाराज हूँ, इसलिए कि तुम खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। आजकल यहाँ छुट्टियाँ हैं, सारा हॉस्टल खाली पड़ा है, सिर्फ मैं ही एक ऐसी हूँ जो कहीं नहीं जा सकती। अब मुझसे ज्यादा सहन नहीं होता बाबा, या तो ये चिट्ठी पाते ही तुम मुझसे मिलने यहाँ चले आओ, वरना मैंने फैसला किया है कि मैं खुद तुम्हारे पास बॉम्बे चली आऊंगी। हाँ सीताराम राधेश्याम, 500 रुपए नोट बनाने का छापा खाना समझ रखा है मेरी बेटी को, आज 200 के बजाय 500 रुपए किस खुशी में? 200 फीस के लिए और 300 मेरे आने जाने के लिए। मैं शिमले जा रहा हूँ अपनी बेटी से मिलने। अच्छा जी, तो बेटी तुम्हारी शिमले में पढ़े और रकम मेरी सूली पर चढ़े। क्यों, तुमको अपनी राजकुमारी के लिए यहाँ कोई कमेटी का स्कूल नहीं मिलता था? तुम ठीक कहते हो सेठ, औकात तो मेरी कमेटी के स्कूल से ही, मगर क्या करूं, बाप का दिल पे भूखे रहकर मैंने फूलों की तरह अपनी बेटी को पाला है। मैं तुम्हारा एक एक पैसा दूध में धोकर दे दूंगा। अच्छा सीताराम राधेश्याम, तो फिर पिछला सूट चुका हो और अगला माल उठाओ। राम तुम्हारा, हाँ ये देखो 30 रुपए 31 पैसे। इसी ऐसे करो, 500 के बदले 550 दे दो, पिछला सूद भी काट लो और नया सूद भी काट लो। ये वही धंधे की बात, तो 10 के दूंगा 8 और पिछले लूंगा काट, 80 का आंकड़ा दूंगा और पूरा सैकड़ा लूंगा। बोलो मंजूर? मंजूर। देखो आओ। नीना, ये नीना की बच्ची है। मेरे बाबा आ रहे हैं, ये देखो चले 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 ना। जीते रहो बेटी, जीते रहो, ये तो बहुत अच्छी खबर लेके आई हो तुम। डैडी क्यों ना हम रूपा के बाबा को अपने साथ यही ले आए? जरूर जरूर, अपना घर होते हुए होटल में ठहरने की क्या जरूरत है। अनिल बेटा, मैं अभी उनके लिए कमरा ठीक करवा देती हूँ। वेरी गुड, आपने मुझे बुलाया डैडी? हाँ बेटा, रूपा के पिताजी बंबई से आ रहे हैं, मुझे जरूरी काम है, तुम इन दोनों को लेके स्टेशन चले जाओ और उनको यहाँ ले आओ, वो यहीं ठहरेंगे। अच्छा डैडी। बेटी, तू कैसी है बेटी? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तुम जानते हो कितनी देर के बाद मिले हो। मैं तो सोच रही थी मेरे बाबा का दिल पत्थर का हो गया है, जो ना कभी मुझे बुलाते हैं ना मुझे देखने आते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटी, तू तो मेरा जीवन है, बस तू अपनी पढ़ाई खत्म कर ले, उसके बाद मैं तुम्हें सदा अपने पास रखूंगा, कभी अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगा। अरे बाबा, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं तो नहीं तो, मेरी आंखें खराब हैं, कभी कभी पानी बहने लगता है। अच्छा अच्छा, चले चले। तशीर रखिए, तशीर रखिए, बैठिए बैठिए, आप लोग भी शुरू कीजिए ना। गोपीनाथ जी, हम लोग पी रहे हैं और आप खामोश बैठे हैं, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मालूम होता है आप अब भी तकल्लुफ कर रहे हैं। जी जी जी, तकल्लुफ की कोई बात नहीं। आ जाइए ना मूड में। हाँ बाबा, अच्छी बात है। आपने पूरी बोतल विस्की पी ली, वो भी ऐसे? अरे बेटे, मैं तो हमेशा ही बोतल, मैं मेरा मतलब है कि विस्की मैंने कभी आज तक पी नहीं, मैं तो हमेशा लेमिनेट बोतल से पीता हूँ, तो मैंने समझा कि विस्की बोतल से पीनी चाहिए। खैर तू घबरा नहीं, घबरा। गोपीनाथ जी, हाँ जी, 2-4 दिन तो आप यहाँ ठहरेंगे ना, कल मेरे यहाँ पार्टी? नहीं साहब नहीं, मेरा बम्बई जाना बड़ा लाजमी है, कल ही चला जाऊंगा, कारोबार के झंझट ही कुछ ऐसे हैं कि बम्बई मुझे नहीं छोड़ती और मैं बम्बई को नहीं छोड़ सकता। आपका ऐसा कौन सा कारोबार है कि जो इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती? अरे भाई, एक कारोबार हो तो बताया जाए,
कितने ही मिले हैं, कितने ही कारखाने हैं। किस चीज के कारखाने हैं? अजी मेरे कारखाने इलाहाबाद में अमरूदों के और नागपुर में संतरों के। अमरूद और संतरों के? मेरा मतलब है कि जूस निकालने। और मैंने तो सुना है कि बंबई का सबसे बड़ा होटल भी खरीद लिया है, ताजमहल होटल। अजी साहब मैं तो आगरे का ताजमहल भी खरीदना चाहता हूँ, मगर कोई बेचता ही नहीं है। यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा मेरे यार, मेरे साथी। वाह वाह वाह, यारी हो तो ऐसी हो। आए आए आए, क्या नगीना है नगीना। अंकल, लगता है कुछ सेवा से बहुत लगा हुआ है। सेव बकुलदार, तेरे लिए ये सेव होगा, मेरे लिए तो ये मेरी जिंदगी है। ये रहो तो मैं भूखा मर जाऊं। बाबा बेटी, इसे नमस्कार करो, नमस्कार करो। अगर ये मेरा यार न होता तो आज तू भी न होती। ये आप क्या कह रहे हो बाबा? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटी, ये शेर ही है जिसने के मेरा मतलब है कि जब तू छोटी सी थी ना तो तब बहुत बीमार पड़ गई थी। मेरा साहब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेगी, मगर मेरे एक हकीम दोस्त थे, उन्होंने कहा कि इसको दूध में सेब का रस मिलाकर पिलाओ, ये ठीक हो जाएगी। मेरे साहब मैं पिलाता रहा और ये ठीक हो गई। तब से ये मेरा यार बन गया है। सच कहता हूँ बेटे, मैं जब भी सेब देखता हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आज ये मेरा दोस्त ना होता तो तू भी शिमला में ना होती है। मुझे इससे प्यार हो गया। गोपीनाथ जी, अगर ऐसी बात है तो जब आप बंबई वापस जाएंगे तो आपके साथ चार छह पेटी भिजवा दें। 12 रुपए डजन है मेरा साहब। आप क्या समझते हैं कि मैं सर पे सेबों की टोकरी रख कर सेब बेचता हूँ? जी नहीं, जी नहीं, मेरा ये नहीं था ना। तो फिर ठीक है, मुझे माफ करना यारो, मुझको माफ करना, मैं नशे में हूँ। मैं सोऊंगा, मुझे नींद आई है। गोपीनाथ जी, आपने खाना नहीं खाया है, खाना लगवा दूं? मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे नींद आई है, मैं सोऊंगा। रूपा बेटी, अपने बाबा को इनके कमरे तक पहुंचा दो। बाबा, आपने अभी तक चाय नहीं पी। रूपा बेटे, तुम मुझसे नाराज तो नहीं ना? नाराज क्यों? रात को मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, पार्टी का सत्यानाश कर दिया। छी 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 छी, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, एक गड़बड़ आपने जरूर की। क्या? विस्की की पूरी बोतल गड़गड़ गड़गड़ करके आप पी गए। हाँ, मुझे नहीं पीनी चाहिए थी। मुझे उनसे माफी मांग लेनी चाहिए ना। माफी किस बात की? वो सब तो आपसे बहुत खुश हैं। रात को खाना खाने के बाद भी वो आप ही की तारीफ कर रहे थे। मीना के पिता तो कहते थे कि आप जैसा आदमी उन्होंने सारी जिंदगी में नहीं देखा, इतना बड़ा और इतना साधारण। मेरा सर तो ऊंचा हो गया बाबा। दुनिया में किसी बेटी को ऐसा बाप नहीं मिला होगा जैसा भगवान ने मुझे आपके रूप में दिया है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरे ख्याल में तो आप अंदर आ चुकी हैं। अगर शक है तो और आगे आ जाइए। सच पूछे तो मैं आपके बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में क्या? यही कि आज आप अभी तक तशरीफ क्यों नहीं लाई। इसीलिए तो आई हूँ। मैं भी जानती हूँ कि मेरे बगैर आपका जी नहीं लगता। नहीं लगता है ना? बिल्कुल नहीं लगता। थैंक गॉड, आप इतना तो सोचने लगे। आज मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा, क्या लाई? अभी बताते हैं। ये हो क्या रहा आपको? क्या ढूंढ रही है? चाकू है आपके पास? चाकू किस लिए? है तो दीजिए ना, घबरा क्यों रहे? चाकू तो है लेकिन देखिए, इसको आहिस्ता खोलिए, हाथ मत कट जाएगा। काटना क्या मुझे बोलिए, मैं आपसे। एक मिनट चुप रहेंगे आप, देखते जाइए। लेकिन है क्या इस डिब्बे में?
जो कुछ भी है सामने आ जाएगा। सी ए के ई केक। तो आज आपका? जी हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टू यू। आप फिर तो आपको कोई तोहफा भी देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहें तो मुझे हीरा पहनने का बहुत शौक है। शौक काफी महंगा पाल रखा है आपने, लेकिन हीरे तो बाजार में चार चार आने में मिल जाते हैं। मैं नकली हीरे की नहीं, असली हीरे की बात कर रही हूँ। कभी देखा भी है? लेकिन मुझे इन चीजों से बिल्कुल दिलचस्पी। तो फिर छोड़िए ना, मैंने तो पहले ही कहा था तोहफे वोफे की कोई जरूरत। ये लीजिए केक खाइए। बहुत अच्छा केक है। अच्छा लगा? मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये केक आपने अपने हाथों से बनाया? जी हाँ, अभी आपने देखा ही क्या है, घर की सारी चीज मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। फिर तो आपके घर भी आना पड़ेगा। जी, मेरे घर? क्यों, कोई बंदिश है क्या? नहीं तो, बंदिश किस बात की? जब आपका जी चाहे चले आइए, आज ही चलिए ना। आज नहीं, कल। कल कितने बजे? 5 बजे। वाली थी ना? हाँ, तुम कहाँ जाने की तैयारी? मैं कहीं नहीं माँ, अभी 5 बजे मेहमान आने वाला है। मेहमान? कौन मेहमान? वही तो बताना भूल गई, वो अपनी दिल्ली की शीला है ना उसका भाई। तुम्हारा मतलब है विद्या रानी का बेटा? हाँ, वही वही माँ। मगर वो तुम्हें कहाँ मिल गया? वो अचानक मुलाकात हो गई थी, शीला भी साथ थी। बहुत अच्छा लड़का है माँ। मैं उसको तुमसे ज्यादा जानती हूँ। अच्छा वो माँ, तुम भी आ गई, तुम्हारी भी मुलाकात हो जाएगी। वो मम्मी में जाना है ना, लाओ माँ इसे मुझे दे, मैं अंदर रख देती हूँ। ये हाँ बेटे, आओ आओ अंदर आओ ना। अरे कितने बड़े हो गए हो, मैं तो पहचान ही नहीं सकती थी। अंजू, अरे अंजू, कब से तुम्हारी राह देख रही थी। हाँ हाँ बैठो बेटे, अरे आराम से बैठो ना। शीला बेटी ठीक है ना? जी। नमस्ते जी। अच्छा आवाज, आप आ गए। क्यों, तू खुद ही तो कह रही थी कि 5 बजे आने वाले। माँ जी, अभी ये तो बड़े आदमी हो गए हैं, वो तो शीला मेरे साथ थी इसलिए मुझे पहचान लिया, वरना मुझे भी कहाँ पहचान दो। साहब बहादुर, किसकी मंगनी में जाना है? मंगनी? हाँ हाँ मंगनी, कमला की आज मंगनी है ना, वहाँ जाना है। जी हाँ, एंगेजमेंट। शीला तो दिल्ली चली गई ना? चली गई। माँ तुम्हें बहुत याद करती थी। अरे कैसे नहीं करेगी, इतना हाथों से खिलाया मैंने उसे, तुम भी तो मेरी गोद में आके खेला कर रहे थे। तुम्हारी माता जी तो अच्छी है ना बेटा? उनका तो देहांत हो गया है माता जी। देहांत हो गया? कब? 3 साल हो गए। अरे जी जी जी। और तुम्हारे पिताजी? पिताजी वो भी नहीं रहे। अरे राम 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 राम, अच्छे लोगों को भगवान भी जल्दी ऊपर बुला लेता है। आप कितनी अच्छी हैं माता जी। ये आप लोगों ने कैसी बातें शुरू कर दी, माँ कुछ और बात करो ना। हाँ हाँ बेटा, क्या काम करते हो बेटा? मैं वो बिजनेस है इनका, बहुत बड़ी होटल है, और उस दिन जबरदस्ती खाना भी खिला दिया। मैं लाख इनकार करती रही लेकिन एक ना मानी। क्यों मानता जी? तो फिर तू भी तो कोई खातिर कर इनकी, या सिर्फ खाना ही जानती है? अच्छा आप क्यों तकलीफ कर रही है? इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप जब तक माँ जी से बातें कीजिए ना। जरा जल्दी आइए प्लीज। शीला की तो कोई बात ही नहीं की तुमने, उसकी तो अब शादी हो गई होगी। हाँ जी हाँ, उसकी शादी हुई तो 2 साल हो गए, अब तो 3 बच्चे भी हैं। 2 साल में 3 बच्चे? जी हाँ, मेरा मतलब है पहले साल 2 हुए थे, जुड़वा हुए थे। अच्छा अच्छा, फिर तो पक्की घर घर सन हो गई। ये लीजिए, शौक फरमाइए। ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है। क्या बात है, खूब बनाती हैं। देखिए माँ जी, बिल्कुल असली है। तो फिर और लीजिए ना। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है। माँ जी वो कमला की आज मंगनी है ना, एंगेजमेंट। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, लेकिन ज्यादा देर मत करना। अच्छा अच्छा माँ जी। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे अब तो तुमने घर देख लिया, कभी कभार आ जाया करो। मैं जरूर आऊंगा माता जी, अब की दफा तो मैं शीला को भी लेके आऊंगा। अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा जल्दी आ जाओ। Mm-hmm.
बेटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक खुश हो। अरे रंजीत, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरी बेटी का खाता है, वो लिखती है कि बाबा मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे इसीलिए मैंने खुशी में सब सेब बांट दिए। अरे तुम्हें नहीं भूला है, तेरे लिए भी है। ये मेरा जेब है प्यारे और तेरा सेब है। अरे बाबा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। नहीं तुम मेरे घर जाओगे? हाँ हाँ चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ बाबा। हाँ दोनों खुश हैं। चलो फिर दोनों खुश हैं। ए रंगा, एक दिन अपन भी एक पौआ पीकर झूमने लगते हैं यहाँ। छोटे साहब की गाड़ी में घूमने को तो मिलेगा। मुझे तू पौ की बात करता। अपन एक बोतल पी रहे हैं फिर भी सड़क पे चलते हैं। देख ये रहा महल। ये है मेरा दौलत करा। अरे कमाल है। कल रात की बत्ती जल रही है, अभी तक जाली रही है। अच्छा बाबा चलता हूँ। ये नहीं हो सकता, तुम पहली बार मेरे घर आए हो, कुछ पिए बिना कैसे चले जाओगे? नहीं बाबा मैं नहीं पीऊंगा, तुम पियो मैं चलता हूँ। हाँ मैं समझ गया, अंग्रेजी नहीं ना इसलिए नहीं पीना चाहते हैं। ये बात है बाबा। पियो। सुनो दो घूंट तुम पियो फिर दो घूंट मैं पीऊंगा, और फिर तुम दो घूंट पीना फिर मैं दो घूंट पीऊंगा। और देखो इस तरह जब तक खत्म नहीं होते हम घूट ही घूट जाएंगे। करो दो घूट से पीता हूँ। अरे भाई सारी कहाँ पीते जाते हैं, क्या क्या कर रहा है कमाल। अरे मेरा इधर पी गया। कमाल की चीज है बाबा, कमाल की चीज। अरे कमाल की। अरे देखो भाई तुम पहली बार मेरे घर आए हो और तुमने मेरी शराब पी है, इसके लिए थैंक यू। ये अंग्रेजी कब से शुरू कर दी? हिंदुस्तानी जब देसी पीता है तो अंग्रेजी बोलता है। अच्छा बाबा तुम आराम करो मैं चलता हूँ। ठीक है बहुत हो गई। बड़ा बनवाया दो घूट मैंने पी। फोटो क्यों गई? अरे मोल रूपा फर्स्ट क्लास से पास हो गई है, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं पास हो गया हूँ, सारी क्लास में फर्स्ट आया हूँ बाबा। अच्छा, अरे मुझे मालूम था। अरे बेटा किसका है तू? है अरे ओ भाग्यवान, हमारा मोहन क्लास में फर्स्ट आया है। जा लड्डू बांट सारे मोहल्ले में। ओ रूपा बिटिया तेरा भैया फर्स्ट आया क्लास में।
बेटे तू भी होता तो आज कितना खुश होता है, बहुत खुश होता तू भी। Wonderful, bloody wonderful! अरे क्या खबर आई अखबार में आज? क्या खबर है बाबा? तुम साले उल्लू का पट्टो, तुम क्या समझोगे क्या खबर आई है? देखो देखो इधर खबर आई है पास्टर्स। देखो exhibition of rare jewellery, exhibition of rare jewellery। हीरे और मोती और जवाहरात की दुनिया में ऐसी नुमाइश जो कि ना कभी हुई है ना कभी होगी, और एक महीने के अंदर वो नुमाइश लगने वाली। खबर तो बहुत अच्छी है बस, कम से कम 1 करोड़ रुपए के हीरे तो जरूर होंगे। अबे गधे की तुम, 1 करोड़ के हीरे तो मैं अपनी मुट्ठी में दबा नहीं हूँ। अबे चांद के चमकते हुए टुकड़े जो आसमान की गोद में मिलना मुश्किल है, सूरज के मचलती हुई वो किरणें जो कि इंसान की आंख ने आज तक नहीं देखा, पत्थर के अंदर पानी, ऐसी प्राइसलेस थिंग्स यू बास्टर्ड, प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। और वो जब हम पा जाएंगे ना तो दुनिया वाले साले चकराएंगे कि हम कितने अमीर हो गए। Exhibition of rare jewelry. Oh, it's wonderful, uncle. कमाल हो गया। कमाल ही नहीं, मैं पागल हो गया हूँ। ऐसा मौका सदियों में एक बार आता है। ये वो हीरे जवाहरात हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया की आंखें तरसती हैं। इनकी जगह नुमाइश नहीं, हमारी तिजोरी है। लेकिन एक बात है अंकल, जहाँ इतने कीमती हीरे जवाहरात की नुमाइश हो रही है वहाँ पुलिस भी बहुत होगी। मैं जानता हूँ बहुत पुलिस होगी और न जाने क्या क्या इंतजाम होंगे, लेकिन मैं फिर कहूंगा रंजीत, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम्हारे लिए मुश्किल हो। ये बात है अंकल, तो फिर समझिए हीरे जवाहरात नुमाइश में नहीं, आपकी तिजोरी में बंद है। माय बॉय, माय बॉय, इट विल बी डन सर। हो सकता है कि उन जवाहरात की कशिश से कुछ लोगों के मुंह में पानी भरा है, इसलिए मैं आप लोगों को वार्न कर देना चाहता हूँ कि उनकी सिक्योरिटी का पूरा पूरा इंतजाम किया जाए। यस सर। तो फिर इस सिलसिले में अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और मुझे जल्द से जल्द ये बताया जाए कि आपने इसके बारे में क्या सोचा है। यस सर। क्या हुआ? माय गॉड, कितना बड़ा सांप! किसी ने ठीक ही कहा है, गले लिपटे हैं वो बिजली के डर से, इलाही ये घटा कुछ और बरसे। अंजू, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या? जिंदगी के सब सपने अब तुम्हारे बिना अधूरे हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हां अंजू, कुदरत ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। हम अपना एक घर बनाएंगे, उसमें एक ऐसी दुनिया बसाएंगे जिसमें बस प्यार ही प्यार हो, प्यार ही प्यार। अंजू क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत देर हो गई है, माँ परेशान होगी। तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्या सो रहे हो? उठो खेला। रंजीत ने तो अपने दिल की बात कह दी, वो तुझसे सचमुच प्यार करने लगा है, तू भी इससे प्यार करने लगी है, लेकिन वो तेरी जबान तक नहीं आ सकता। अगर उसे असलियत का पता चल गया कि तू प्रताप के इशारों पर नाचती है, तो वो तेरे प्यार को प्यार नहीं धोखा समझेगा, तुझे भूल जाएगा, तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। I'm so sorry.
मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। अंजू, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई। अब ये सब कुछ और मुझसे नहीं हो सकता, मैं आपसे छुट्टी मांगने आई हूँ। छुट्टी? तुम कहना क्या चाहती हो? अब मैं और मिस्टर रंजीत के पीछे नहीं भाग सकती, क्योंकि हीरों की नुमाइश की बात एक बार भी उसके जबान पर नहीं आती। तुमने पूरी पूरी कोशिश नहीं की होगी। ये गलत है। हमारी आँख बहुत दूर तक देखती है अंजू, अगर ये गलत है तो तुम्हें साबित करना होगा, और उसका एक ही तरीका है कि तुम रंजीत का पीछा नहीं छोड़ोगी, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओगी, और अगर जरूरत पड़े तो उसके साथ सब कुछ करोगी। नहीं नहीं, ये सब कुछ मुझसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमारी बिल्ली और हमसे म्याऊं। ऑलराइट रिलैक्स रिलैक्स। अगर तुमसे इतना ज्यादा नहीं हो सकता तो फिर हमारा आखिरी काम कर दो, उसके बाद तुम आजाद। क्या काम? रंजीत को टेलीफोन करो, आज शाम को 4 बजे वो तुमसे नेशनल पार्क में मिलने आए। नेशनल पार्क क्यों? क्योंकि जो बात तुम उससे नहीं पूछ सकी ना, वो बात हम उससे पूछ लेंगे। आज शाम को 4 बजे नेशनल पार्क। दैट्स अ गुड गर्ल, गॉड ब्लेस यू स्वीटहार्ट। हेलो अंजू। हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा तुमने फोन कर लिया, वरना मैं सोच रहा था आज तुम फोन नहीं करोगी। क्या नेशनल पार्क? ये आज क्या सूझी तुम्हें? हाँ हाँ पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक 4 बजे पहुंच जाऊंगा। बस 4 बजने में अब ज्यादा टाइम नहीं है, इससे पहले कि वो उधर पहुंचे तुम्हारा वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है। तुम जा सकती हो। भूषण बलराम विजय मलोनी कहानी जल्दी करो, बंद करो। ये छोकरी बिल्कुल बेकार है। रंजीत 4 बजे नेशनल पार्क आ रहा है, तुम लोग मेरे साथ चलो, आज हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नुमाइश शुरू होने से पहले ये कांटा हमारे रास्ते से हट जाना चाहिए। गेट रेडी यू बास्टर्ड। रंजीत रंजीत, हम यहाँ नहीं जाएंगे, चलो यहाँ से। क्यों क्यों नहीं ठहरेंगे? तुम्हारी जान खतरे में है। मेरी जान खतरे में? क्या कह रही हो तुम? मैं बाद में बताऊंगी, चलो यहाँ से। बचाने की कोशिश कर रही थी ना? नहीं भगवान, तुम रंजीत को नहीं छीन सकते। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया।
सपना वो भी तोड़ के दाता ना ले यूं मोड़ के दाता ना ले सर पे तू ये इल्जाम राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम दुनिया में तेरा रंजीत अंजू जो होना था सो हो गया अब देखो ना मैं बिल्कुल ठीक हूं तुम क्यों अपने आप को कोस रही हो मैं जानता हूं तुमने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की पर मैं ना समझ सका खैर इन लोगों से तो मैं निपट लूंगा तुम मुझे इतना बता दो तुम्हारा इनसे क्या वास्ता है बताओ ना अंजू अपनी मजबूरी और खुदगर्जी के लिए मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया अपने भाई की जान बचाने के लिए मैंने तुम्हारी जान खतरे में डाल दी तुम्हारा भाई कौन है वो राकेश तुम्हारा भाई है कहाँ है इस वक्त प्रताप के कब्जे में पता नहीं मुझे चिंता भी है या मार दिया गया तुम फिक्र मत करो प्रताप के कब्जे से तुम्हारे भाई को छुड़ाना अब मेरा काम है रंजीत क्यों अपनी मौत को दावत देने फिर यहां चले आए हो भूल गए उस दिन की पिटाई ऐसे उसी दिन का हिसाब तो आज चुकाने आया हूं चलो ठहराओ इससे मैं निपटूंगा तुम भी हट जाओ मुझसे पलटे हम भी अकेले निपटेंगे मैं तो हड्डी पस्ती छोड़ दूंगा Come on!
कुत्तों का ख्याल रखना। कुत्ते भौंकना बंद कर। राकेश कहाँ है? रंजीत मुझे मत मारना। मैं तुम्हें मारने नहीं छुड़ाने आया हूँ। सर नुमाइश वाली बिल्डिंग के सिक्योरिटी के सिलसिले में ऐसा बंदोबस्त किया जा रहा है कि रोजाना शाम को नुमाइश बंद होने के बाद वहाँ इंसान तो क्या परिंदा तक पर न मार सकेगा। That's very good. बिल्डिंग पर 24 घंटे पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। वायरलेस वैंस और आर्म पुलिस के कुछ आदमी उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और उनके ऊपर दो स्पेशल ऑफिसर्स। Is that all? No, sir. इलेक्ट्रॉनिक अलार्म का वहाँ एक ऐसा सिस्टम जारी किया जाएगा कि जो हरात वाले कमरे में अगर कोई मक्खी भी दाखिल हो तो अंधेरा उजाले में बदल जाए। सारी बिल्डिंग में एक हंगामा और आसपास के सभी थानों में अलार्म बज उठे और यही अलार्म हेडक्वार्टर में भी बजेगा। गुड, बंदोबस्त आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है और मुझे उम्मीद है इस पे अमल भी पूरी तरह किया जाएगा। नुमाइश का आखिरी दिन है रंजीत। जानता हूं अंकल, वहीं जाने की तैयारी कर रहा हूं। आशीर्वाद दीजिए नुमाइश के वो तमाम हीरे जवाहरात लाकर मैं आपके कदमों में डाल दूं। गॉड ब्लेस यू माय बॉय। शायद तुम्हें अपनी कामयाबी पे इतना भरोसा नहीं जितना कि मुझे। मैंने तो इन जवाहरात को ठिकाने लगाने के लिए अपने तमाम एजेंट्स को तार कर दिए हैं, कोई यहां आ जाए। अब इसका दारोमदार तुम पर है। हाँ, वो सब सामान तो ठीक ठीक ले लिया? जी हाँ, सब कुछ ले लिया है। और वो भी? वो भी। बाबा सेव। आज तुम उदास क्यों? नहीं बाबा, मैं उदास नहीं हूं। आज तक तुमसे बहुत सेब लिए हैं, आज ये सेब भी काम आ गया तो बाबा तुम्हें कल से सेब नहीं बेचने पड़ेंगे। क्या मतलब? ये वापस आकर बताऊंगा। सलाम बाबा। सलाम सलाम। वो कहना क्या बात है, आजकल तुम्हारा बहुत डाक आता है। लो तुम्हारा आज एक फिर चिट्ठी आया। ओहो, चिट्ठी हमारी आती है और सेब तुम्हारी बनती है। खुदा का शान बाबा। ये लो। खुश रहो बाबा, खुदा तुमको सलामत रखे और तुम्हारी चिट्ठियों को भी। सलाम बाबा। सलाम सलाम। श्रीमान गोपीनाथ जी, भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है, धन दौलत औलाद और एक हंसता हुआ घर संसार, लेकिन एक चीज की कमी है और वो आप मुझे दे सकते हैं। अगर आपकी बेटी रूपा मेरे घर की बहू बनकर आ जाए तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस आशा को निराशा में नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि रूपा और अनिल की खुशी का भी सवाल है। इसी आशा की पूर्ति के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। आपका राजेंद्र नाथ मेहरा। Thank you.
लोगों से दरखास्त की जाती है कि आप लोग बाहर चले जाएं। थैंक यू। लाइन टेस्ट करो। यार 8 घंटे की ड्यूटी ड्यूटी में जान मिल जाती है। सारे हॉल की तलाशी ले ली, कोई भी अंदर नहीं आया। ये अलार्म कैसे बाजू था? यही तो बात समझ में नहीं आती हुजूर। ठीक है, पूरे हाल की चेकिंग की जाए। मैं कमिश्नर साहब को फोन करता हूँ, अलार्म बंद करवा दो। फिर ये अलार्म कैसे बजा? मालूम नहीं साहब। यहाँ अलार्म का इंचार्ज कौन है? मैं हूँ साहब। अलार्म किसने बजाया? मैंने। नहीं 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 बजाया जनाब। तो फिर ये बार बार अलार्म क्यों बज उठता है? जब साहब को नहीं मालूम तो मुझे कैसे मालूम? जी समझ में नहीं आता, मैं कमिश्नर साहब को जवाब क्या दूंगा? पूरी तरह चेकिंग की जाए। जी बहुत बेहतर है हुजूर। अरे बड़ी इस अलार्म के चक्कर में तो आधी रात खराब हो गई। कैसी पनती छाई है। अरे आधी तो खराब हो गई, पर जो आधी बाकी बची है उसकी सोचो। छोड़ो यार पते बा। जो हरा तो सब ठीक ठाक है सर, और अंदर भी कोई नहीं आया। पता नहीं है अलार्म बार बार कैसे बज उठता है। What nonsense! इसका मतलब है सारी रात हम लोग यही एक्सरसाइज करते रहेंगे। कौन है यहाँ का इंचार्ज? मैं हूँ सर। अगर इस किस्म की हरकत फिर हुई तो सारे डिपार्टमेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा। यस सर। सुना तुमने? सबको डिसमिस कर दिया जाएगा। क्या सुना तुम लोगों ने? हम सब एक साथ। थैंक यू, चलो। न जाने अलार्म को मरे दी 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 पीछे पड़ गया, अपने आप बज उठता है। अरे बाबा बिजली का मामला है। नहीं मेरी बात मानो तो अलार्म का स्विच ही बंद कर दो, नाहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। यार बांसुरी कहां से आ गई? ये अलार्म है। अलार्म घंटी घंटी सही बंद कर दो। नहीं रघुनाथ बंद कर दो। सोचो सोचो दे। सोचो सोचो अगर अब के बजी ना तो छक्के का टूट जाता। क्या हुआ? सोच लिया रघुनाथ। हाँ, 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 हाँ
स्टैंड इरेक्ट, सीधा खड़ा हो जा, अच्छा जी चालू हो जा। हाँ जी जाता हूँ। शाबाश बेटा। तुम क्या बात
चलो उठ, ऊपर से जा। चलो उठ। रंजीत, क्या हुआ? ये उतरा चेहरा, ये परेशानी, क्या बात है? कुछ नहीं अंकल, थक गया। ले आए। वंडरफुल, एक्सीलेंट। दुनिया के ऐसे कौन से कीमती जवाहरात हैं? दुनिया नहीं, मोती, हीरे, लाल, पन्ना, नीलम, दुनिया के सारे रत्न यहाँ हैं। रंजीत, 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 यू आर फैंटास्टिक। मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन गया हूँ। सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी। चौबीस घंटे की निगरानी, हिफाजत के पूरे इंतजाम, उसके बावजूद बिल्डिंग में एक नहीं दो आदमी दाखिल होने में कामयाब हो गए। कहां गई थी आपकी जिम्मेदारी? क्या हो गया था आपके आर्म पुलिस को? कैसे बंद हो गए सारे अलार्म? मैं कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। अब आप लोग खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और डॉक्स पे पूरी निगाह रखी जाए। वी मस्ट फाइंड द कल्प्रिट। एक तो जवाहरात हाथ नहीं लगे, दूसरा ये साला जूता ऐसा सबूत है जो मुझे जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाएगा। चक्की, मैं साले का नामो निशान मिटा दूंगा। चला पेट्रोल, चला उसको। बॉस, क्यों ना पुलिस को खबर कर दे? अगर जवाहरात हमारे हाथ नहीं लगे तो रंजीत के पास भी क्यों रहने पाए? गधे की तुम, तू कभी साले अकल की बात भी करेगा? अरे रंजीत से तो हम कभी भी निपट लेंगे, लेकिन अगर वो जवाहरात पुलिस के हाथ लग गए, वहां पहुंच गए, तो वहां से कौन लाएगा? तुम्हारा चला जूता। ये पिए जा गोपीनाथ, सच्चाई से भागने का और कोई तरीका नहीं है बाबा। और रंजीत, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब हम दोनों मिलकर पिएंगे। बोलो तुम बोतल से पियोगे या गिलास में? नहीं, मैं तुम्हें और नहीं पीने दूंगा। कल से क्या हालत बना रखी है? कल से? अरे बरसों से आपने तो यही हालत है, मगर इसमें किसी का क्या दोष, जो करता है वो भरता है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्यों इतने दुखी हो, क्यों इतनी शराब पीते हो? तुम पूछ कर क्या करोगे? मैं तुम्हारे मन का बोझ हल्का करूंगा। बताओ ना क्या बात है बाबा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ क्या बात है?
ये चिट्ठी पढ़ो, पढ़ो ये चिट्ठी। ये तो बड़ी खुशी की बात है बाबा, तुम्हारी बेटी का ब्याह एक बड़े घर में हो रहा है, इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? कहते तो तुम ठीक हो, मगर ये होगा कैसे? एक तरफ राजा और दूसरी तरफ भिखारी, अब मैंने खुद ही झूठ बोल बोल कर सारा खेल बिगाड़ दिया है। झूठ बोलकर? हाँ, एक लंबी कहानी है। आज से 15 साल पहले मैं भी ऐसा नहीं था, मेरा एक बसता हुआ घर था, एक देवी समान बीवी थी, 2 बच्चे थे, एक लड़की रूपा और दूसरा मोहन। मोहन से मैं बहुत प्यार करता था। एक दिन उसके स्कूल के एक साथी ने उसे जान से मार डाला। उसकी माँ अपने बेटे की लाश देखकर ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी, मुझे छोड़कर वो भी मोहन के साथ चल दी। एक ही दिन में 2 अर्थियां देखकर मैं अपने होश खो बैठा। मुझे उस शहर से नफरत हो गई। अच्छी भली बैंक की नौकरी छोड़कर मैं रूपा को साथ लेकर दर बदर की ठोकरें खाने लग गया। अब रूपा ही मेरे जीवन का सहारा थी। मुझे हर वक्त यही चिंता खाए जाती थी, रूपा का क्या होगा, रूपा का क्या होगा। फिर मैंने उसे एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया ताकि मेरी बदनसीबी का साया उस पर न पड़ता रहे। आगे तुम सुबह लोग आओ आओ, क्या खबर है? आज एक नई बात का पता चला है बॉस। क्या? दिल्ली से मिस्टर पुरी, कलकत्ता से मिस्टर सिन्हा और जयपुर से चोपड़ा। यस सर, इनके अलावा कुछ और लोग भी रंजीत के पास आए हैं, लेकिन इसकी वजह समझ में नहीं आई बॉस। हाँ, इसकी वजह तुम्हारी समझ के बाहर है ढपोल संखो, लेकिन हम समझ गए। रंजीत उन जवाहरात को इन लोगों के जरिए ठिकाने लगाएगा। लेकिन बॉस, अगर ये जवाहरात इतनी जगह बट गए तो हम कहाँ कहाँ से हासिल करते फिरेंगे? लेकिन हरामजा दो, इन जवाहरात को बटने कौन देगा? तुम लोग सिर्फ उस बंगले पर अच्छी तरह निगाह रखो जो रंजीत ने उस बुढ़े की लड़की की शादी के सिलसिले में लिया, समझे? Dar pan se mein chat raha.
से पूरे, लेकिन आप तो ऐसे चौंक उठे जैसे जिंदगी में पहली बार पुलिस को देखा हो। नहीं साहब, पुलिस के साथ तो हमारी पुरानी रिश्तेदारी है, चौंक कह सकता हूँ। फरमाइए क्या होगा? आपको मेरे साथ चलना होगा। लेकिन साहब, मुझे सेठ गोपीनाथ की लड़की की शादी पर जाना है। शादी आपके बगैर भी हो सकती है मिस्टर पुरी? हो सकती है। जी हाँ, आपकी गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। लेकिन वारंट किस सिलसिले में? वो भी आपको पता चल जाएगा। इजाजत हो तो मैं जरा इसे जो कुछ भी करना हो जल्दी कर लीजिए। कर लू। अरे आप और क्या है? बाजी वाह, बनने आए थे मेहमान हम सेठ गोपीनाथ के, बन गए सरकारी मेहमान। क्या तकदीर लेकर आए बोलिए आप। भैया ये तो सब उम्र वाले की माया है, शक्करखोरों को शक्कर मिल ही जाती है। ठीक, लो बोलो। वो भी आ गए। आइए आइए पधारिए, इस बिरादरी में सिर्फ तुम्हारी ही कमी थी। माफ करना दोस्तों, आने में जरा देर हो गई और रास्ते में सरकारी जीप पंक्चर हो गई थी। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। अरे धक्का क्यों देता है, कहीं हड्डी पसली टूट गई तो? अबे तो लाख अपने अंग्रेजी बोलेगा तो धक्का ही मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आज मेरी बेटी की शादी है, घर पर बारात आने वाली है। अगर मैं वहाँ नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने जिंदगी भर कुछ नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। पुलिस स्टेशन पर आने वाला हर आदमी यही कहता है। मगर इंस्पेक्टर साहब, मेरा दोष क्या है? इधर आओ, चलो इधर आओ। इन लोगों को पहचानते हो? जी हाँ पहचानता हूँ, ये मेरी बेटी की शादी पे आए हुए मेहमान हैं। तो यही तुम्हारा दोष है, समझे? Yes, sir. बंद कर दो। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। पुलिस का अपना एक तरीका है, अगर ये लोग बेकसूर हैं तो छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन पूरी कार्रवाई होने के बाद। इसमें ना जाने कितने दिन लग जाए कमिश्नर साहब, जरूरत का मौका तो आज है। बेचारे गोपीनाथ की इज्जत का सवाल है। गोपीनाथ ही तो सबसे ज्यादा मशकूक इंसान है। मैं पूछ सकता हूँ कि उसके साथ आपका क्या ताल्लुक है? जी वो मेरे पिता समान है। पुलिस और कानून के निगाह में इसकी कोई कीमत नहीं। गोपीनाथ की बेटी की शादी में जितने लोग शामिल होने के लिए आए हैं वो सब पुलिस के निगाह में पहले से ही खड़कते हैं। लेकिन आपको गोपीनाथ जी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कमिश्नर साहब, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, वो एक देवता स्वरूप आदमी है। तो फिर इन तमाम लोगों के साथ इस देवता स्वरूप आदमी का क्या वास्ता? कल का एक मामूली सेब बेचने वाला आज का सेठ गोपीनाथ कैसे बन बैठा, जिसकी बेटी का ब्याह इतनी धूमधाम से रचाया जा रहा है? इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है कमिश्नर साहब। उस लड़की को मैं अपनी बहन मानता हूं और एक भाई के नाते दुनिया की तमाम खुशियां उस पर निछावर कर देना चाहता। आपकी किसी भी दलील से मैं अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। आप अपने साथ साथ मेरा भी वक्त जाया कर रहे हैं। सॉरी सर, वक्त आप मेरा जाया कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है एक बाप अपनी बेटी की शादी में शरीक ना हो? आप खुद ही सोचिए, बरातियों का स्वागत कौन करेगा, कन्यादान किसके हाथ होगा? कमिश्नर साहब, गोपीनाथ जी को छोड़ दीजिए, नहीं तो ये शादी रुक जाएगी, एक निर्दोष लड़की का दिल टूट जाएगा, एक मजबूर बाप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा, और ये मैं हरगिज हरगिज नहीं होने दूंगा। What do you mean? I mean it, sir. गोपीनाथ जी को लिए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। You're not drinking? मैं पीता नहीं। Good boy. Have some soft drink. मेरा अनिल साहब के लिए कुछ ठंडा लाओ। ये क्या मेरा साहब, आप इतना स्लो चलेंगे? It's not good. मेरा साहब के लिए डबल लाओ। Thank you. कभी कभी। विजय, ऐसा इंतजाम तो आज तक नहीं देखा। क्या ठाट है पार्टी के।
ऐसा मालूम होता है कि किसी महाराजा की बेटी की शादी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सेठ गोपीनाथ कम से कम 50 लाख के मालिक हैं। 50 लाख? अरे करोड़ों की बात करो। मुझे तो लगता है कि खुद सेठ जी को नहीं मालूम कि कितनी दौलत है उनके पास। बेटी भी बड़ी किस्मत वाली है, सब कुछ उसी का तो है, न भाई है न बहन। माफ करना सेठ जी, आपके लिए छोटे साहब का ऑर्डर नहीं है, दूसरे मेहमानों का ख्याल रखो। सॉरी। ख्याल है ये सेठ गोपीनाथ जी 50 लाख के मालिक जरूर होंगे। 50 लाख के मालिक? यहाँ कभी कभी 50 सेब खरीदने को पैसे नहीं होते, और ये 50 लाख की बातें कर रहे हैं। बस लगन का समय हो चुका है, पंडित जी दूल्हा और दुल्हन को मंडप में बुला रहे हैं। महाराज साहब जी, आप अनिल को लेकर मंडप में चलिए, मैं रूपा को लेकर। ठीक है, लेकिन गोपीनाथ जी कहाँ है, वो नहीं दिखाई दे रहे। आप चलिए, मैं उनको देख कर लाता हूँ। चलो भाई। लगन से पहले मुझे कुछ कहना है। मेरा साहब, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। मैं गोपीनाथ सेठ नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, फुटपाथ पर सेब बेचने वाला गोपीनाथ बाबा। ये क्या हो गया आपको, कैसी बातें शुरू कर दी? हाँ, सच कहने में कोई बुराई नहीं है मेरा साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे दिल पर एक बोझ है, जब तक बोझ हल्का नहीं होगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये बंगला मेरा नहीं है, यहाँ की कोई भी चीज मेरी नहीं है, सब रंजीत का है, रंजीत की। न जाने कौन से जन्म का बदला चुका रहा है मुझसे। बरसों पहले भी इसी ने मुझे सहारा दिया था, अपने होटल के बाहर सेब बेचने के लिए जगह दी, और आज मेरी गरीबी पर पर्दा डाल रहा है ताकि मेरी बेटी की शादी हो जाए। मगर मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखूंगा। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा कोई होटल नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कोई मिल नहीं है, मेरी जायदाद सिर्फ एक सेब बेचने का टोकरा है। हाँ मेरा साहब, मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, अब आपकी मर्जी है, चाहे रूपा को बहू बनाए चाहे बारात वापस ले जाए। गुड गुड गुड, वेरी गुड। क्या बात है गोपीनाथ जी, क्या लंबा चौड़ा भाषण दिया आपने। कुछ और कहना बाकी हो तो कह लीजिए, लगता है आज आपने पूरी बोतल नहीं पी, वरना ये तो इससे भी लंबा लंबा भाषण देते हैं। दरअसल ये इनकी पुरानी आदत है, पीने के बाद कभी तो ये बंबई शहर खरीदने की बात करते हैं और कभी भिखारी हो जाता। मैं जानता हूँ मिस्टर रंजीत, यही तो इनका बड़प्पन है। हमारे यहाँ भी जब आए थे तो आगरे का ताजमहल खरीदना चाहते थे, कहने लगे कोई बेचता ही नहीं। क्या बात है सेठ जी। गोपीनाथ जी चलिए, लगन का मुहूर्त निकला जा रहा है, आप लोग चलिए, मैं रूपा को लेकर आता हूँ। ठीक है, आओ बेटा। जन्म भर झूठ बोलता रहा तो लोग सच मानते रहे, आज सच बोल रहा हूं तो कोई मानता ही नहीं। ओम गणा
Bang hava mahe priya nangva priya pati Bang hava mahe basumam Aham jani garbhadham Mangalam bhagavan vishnu Mangalam garuda dhvaja Mangalam सच माने गोपीनाथ जी, इस शादी से आपने मेरा सर और भी ऊंचा कर दिया है। मेरा साहब, ऐसा ना कहिए, मैं इस काबिल नहीं। जीती रहो बेटी, जीती रहो बेटी। भगवान की इच्छा का पुत्र। भाई सुनिए, सुखी हो बेटा। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी बाबा ऐसी बात मत कहो। रूपा मेरी बहन है, मैंने भाई का फर्ज अदा किया है। आओ आओ चल। खुशे साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं जिंदगी भर आपका एहसान मंद रहूंगा। जवाहरत लेकर मैं अभी हाजिर होता हूँ। कमिश्नर साहब, ये जोहरात, ये क्या मामला है? मामला कुछ ऐसा ही है, अभी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। सर, सर, रंजीत ने हमें धोखा दिया, भाग गया। अबे सर। कमिश्नर साहब, आपको ये सब तकलीफ उठानी पड़ी, मैं मजबूर था। अगर मैं इसका पीछा नहीं करता तो ये बैग लेकर भाग जाता और मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। लीजिए जवाहरात। इंस्पेक्टर रंजीत,
अंकल जी सब क्या है ये पुलिस? ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं बाबा। नुमाइश के जवाहरात की चोरी मैंने की थी। कमिश्नर साहब एक मिनट के लिए बाबा से बात कर सकते हो? अच्छा बाबा तुम आ गए, वरना एक बोझ मेरे मन पर रह जाता। बोझ? हाँ, कई दिनों से एक बात मेरी जबान पर आती थी लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई, और अब इसे छुपाने की मुझमें ताकत नहीं बाबा। मगर बात क्या है बाबा? मैं एक बदनसीब आदमी हूँ। बचपन में मेरी शरारतों की वजह से लोग मुझे लोफर कहते थे, लेकिन एक दिन ऐसी ही एक शरारत का शिकार होकर मेरे भटके हुए कदम मुझे कहाँ से कहाँ ले आए और मुझे सचमुच लोफर बनने पर मजबूर कर दिया। लोफर? कौन कहता है तुम लोफर हो? मैं कहता हूँ, मेरा जमीर कहता है बाबा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरा गुनहगार? मैं ही तुम्हारे मोहन के बचपन का वो साथी हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। मैंने तुम्हारे बेटे का खून किया था। मैं मोहन का खूनी हूँ। तुम मोहन के खूनी? रुक तो गए बाबा और मारो, मैं इसी काबिल हूं। चलो रंजीत। रंजीत मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। नहीं बाबा ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो बाबा। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मुझे नहीं बाबा। कमिश्नर साहब एक बेटे को तो मैं पहले ही खो चुका हूँ, दूसरे को आप मुझसे जुदा कर रहे हैं। भगवान के लिए इसे मेरे पास ही रहने दीजिए। आई एम सॉरी, ये मेरे अख्तियार के बाहर है। वैसे रंजीत की ईमानदारी देखते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून इसके साथ ज्यादा से ज्यादा नरमी का बर्ताव करे और ये आप लोगों के पास जल्दी वापस लाए। बाबा अंजू, अंजू मेरे बाबा का ख्याल रखना।